कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. 14 था कि नहीं था? अच्छा 13 था. क्वेश्चन नंबर 13 एक बार मुझको बुक है क्या वो देखे. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या मांग रहा है उससे? पेबैक. तो उसका आंसर दिया है बुक में, क्या मैच हो गया है? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद और कौन सा होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 22. हाँ, तो किसी ना किसी ने बनाया होगा. अच्छा, तो सबका अलग अलग भी आंसर आ रहा होगा. मे बी आपका बताओ. एनपीवी पर मांगा था ना, तो एनपीवी बताओगे कितना आ रहा है? 96871 और पीआई 1.807. आपका अलग आ रहा है, आपका बता दो. 1.6 1.6 8.32.0. अच्छा ठीक है ना, उसको तो राउंडेड ऑफ कर लिया रुपीस में. एनपीवी पॉजिटिव है क्या? तो फिर ये 0.0 नहीं है सर. आपका भी आ गया 1.0 8.4 आपका. अच्छा, और एक आंसर है भाई, रिकॉर्ड टूट गया. हाँ जी बोलो. 4.00 8.80. ठीक है, फ्रैक्शन इग्नोर किया. आगे 3. इतना मतलब एनपीवी है ना, ये पीवीसीआई है. तो टेंशन नहीं है, बाकी लोगों ने नहीं भी बनाया, पर तीन लोगों ने बनाया, तीन आंसर निकालना है. तो चौथा और कोई बनाया है कि बताओ. हाँ, तो मैं चौथा भी आंसर लिख ही देता हूँ. हाँ बोलो. ये शायद दो लोगों का आंसर आया है. ठीक, तो इसको जिसका आया वो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेगा क्लास के बाद. तो इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ. अच्छा एक बार फाइनली चेक कर लेंगे लास्ट. इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 23, उसका आंसर था या नहीं था बुक में? नहीं. अच्छा, उसमें भी एनपीवी मांगा था क्या? एनपीवी कितना आ रहा है? 1.6 3.08 ले लेते हैं. आपका लगा रहा है क्या? तो इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते, तो ये माना जाएगा कि ये सही है. बाकी हम क्लास के बाद चेक कर लेंगे अगर कुछ होगा. बस इतना ही था. 9 का क्या आंसर दे रखा बुक में? क्या हो गया, मैच हो गया. हाँ, तो फिर बात खत्म, फिर कोई इश्यू नहीं. एनपीवी मांगा है क्या? 1.8 0 6. हाँ, तो पीआई गलत है शायद, मिसप्रिंट हो. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 का जो पीआई है उसमें गड़बड़ है. आंसर कितना आ रहा? 1.8 0 6. ठीक, चले आगे. अब
क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 10 बड़ा क्वेश्चन है। पेज नंबर 10 पढ़े क्वेश्चन को एक बार, शायद पढ़ लिया था इसको, थोड़ा सा इश्यू आ रहा था और मेरे ख्याल से आपने उसको, मैंने कहा था कि ऐसे बड़े क्वेश्चन को आपको लिखते हुए काम करना है, लिखा है कुछ, आप वापस एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो लिखा हुआ अल्फा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, बात हो गई थी कि यार पहले मैनुअल वर्क हो रहा था, अब उसको कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, और कंप्यूटराइज करना चाहते हैं तो एक तो हमारा क्या बच रहा था, सैलरी कितना रुपया बच रहा था, सैलरी का 3 लाख, और कितना एम्प्लॉई है 5, और इसके अलावा 3 लाख रुपए हमारा प्रोडक्शन जो डिले हो रहा था उसका बच रहा था, 2.5 लाख रुपए ये बात कर लिया था, और 2 लाख रुपए इसकी बात हो चुकी। परचेस प्राइस ऑफ सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन 20 लाख दिया हुआ, और 1 लाख रुपए किस चीज का था, इंस्टॉलेशन का, याद है 21 लाख, उसमें से कुछ लिखा था शायद कि 80% जो पैसा है, हाँ, और बचा हुआ फर्स्ट ईयर में, ठीक है। हाउएवर द ऑपरेशन ऑफ न्यू सिस्टम के लिए 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, जिसको 5 लाख रुपए पर पर्सन अब हमको देना पड़ रहा था, और इसके लिए एनुअल और मेंटेनेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 साल का दिया है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है, चाहो तो अंडरलाइन कर लीजिए, हाँ, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आर पेबल इन एडवांस, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पेबल इन एडवांस लिखा हुआ, तो ये जो है ना इसकी वजह से ये क्वेश्चन हमको करना पड़ा, और साथ में डिस्काउंटिंग, याद है यार एक क्वेश्चन हमने सब्सिडी वाला किया था और हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन जहां से भी उठाया गया वो आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है, वो जहां से भी उठाया उन्होंने गलत किया है, उसमें 1,75,00,000 की मशीन थी और 25 लाख का सब्सिडी मिला था, तो आपने डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट किया था, 1,50,00,000 पे ही होना चाहिए, उन लोगों ने सॉल्यूशन में 1,75,00,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इट मींस यार जिन चीजों का हमने एक तो पैसा दिया नहीं, ऊपर से डेप्रिसिएशन भी लगा रहे हो, जो एक तो पैसा भी नहीं गया, और डेप्रिसिएशन मतलब आप तो इनकम टैक्स वाले को बेवकूफ बना रहे हो सीधी सीधी बात, तो ये सारी चीज, तो वो क्वेश्चन हमारे एंगल से ठीक है, उसका आंसर ठीक है, बुक में भी ना आंसर ठीक कर लेना, वैसे आपने कर ही लिया होगा, बुक में जो आंसर है वो किसके हिसाब से है उसको ठीक कर लेना, जो आपका आंसर आया ये वाले क्वेश्चन को करें हम लोग, तो इसमें सबसे पहले काम करते हैं सीएफईटी निकालते। सवाल ये है कि सीएफईटी हर साल का अलग अलग आएगा या एक जैसा अलग, तो चलो काम करें कैलकुलेशन ऑफ सीएफईटी। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या हो गया बोलो, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सीएफईटी। अच्छा अगर यहाँ कोई उठकर इधर जाएगा तो कैमरे के सामने आ जाएगा, ऐसा बोल, आ जाने तो कोई दिक्कत नहीं है इसके। वन टू थ्री फोर फाइव, और सबसे पहले यार एक काम करना था हमने, एक थोड़ी सी गलती ही कर लिया, लिखा नहीं है ना, हम लोगों को ना यहाँ सीएफबीटी से स्टार्ट करना चाहिए, पर सीएफबीटी दिया नहीं है, हमको पहले पूरा सेविंग्स ऐड करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा,
एक साथ ही कर लेते और हर साल का अलग अलग, पर यहाँ पूरा सेविंग्स हर साल का वही वही लिखोगे तो यार उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी नहीं लिखा, मान लो मैं इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले सी एफ बी टी निकाल लेते, वो तो हर साल का एक जैसा है। तो कैलकुलेशन ऑफ सी एफ बी टी हाँ, उसको ऐसा नहीं है कि इसी पहले यही लिखना जरूरी, वो बाद में भी कर सकते ऐसा। तो सबसे पहले किस किस चीज में टोटल मिलाकर सेविंग्स लिख सकते हैं कि यस, अलग अलग लिखने की अपेक्षा सेविंग्स 3 लाख रुपया सैलरी का बच रहा है, कितना एम्प्लॉई है 5। पिछले बार ये 5 देखना भूल गए थे, आप भी भूल सकते हो क्योंकि लिखा ही ऐसा है। हाँ, 5 × 3 लाख। तो पिछले बार हमारा इस 5 की वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा, तो हमने कहा आंसर गलत। 5 × 3 लाख 15 लाख। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो 5 3 लाख रुपए है वो 5ों की मिलाकर सैलरी। न्यू सिस्टम, 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट चाहिए, 5 लाख रुपए पर पर्सन, मान सकते हो। तो आप लोगों का कहना है कि 3 लाख रुपए के साथ पर पर्सन नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ हमको 3 लाख ही देना चाहिए। पता है आपको एक बात, हमने भी ऐसा ही किया, हो चुका ना यार, नहीं गलती पता कहाँ लगी मालूम है, यही पता लग गया, सीएबीटी नेगेटिव आ गया, बीटी नेगेटिव आ गया। अब सीएबीटी नेगेटिव आया तो बंद करो प्रोजेक्ट, कर कर ही क्यों रहे हो। तो इस वजह से हमको पता लगा कि नहीं यार 3 लाख × 5 करना है। अगर आप एग्जाम में होते और फिर यहाँ सीएबीटी नेगेटिव आ जाता, फिर सीएफटी करके करके करते ही, मतलब वापस चेंज करते ना फिर। हाँ, तो यहाँ पर पर्सन है, जहां तक मुझे याद है ऐसा हुआ था हमसे गलती, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ हमसे भी गलती हुई। प्लस अब मैं अलग अलग नहीं कर रहा, प्लस इसी में कर रहा हूँ, चल जाएगा ना सबका, अलग अलग सेविंग नहीं कर रहा हूँ। 3 लाख रुपए ये भी, प्लस 2,50,000 ये, प्लस 2 लाख ये, बताओ कितना पैसा बचा रहे हैं, 22,50,000। ठीक, अब इसमें से माइनस करेंगे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को सैलरी दिया जा रहा है, ठीक, कितना रुपए है 5 लाख पर पर्स, तो कितना माइनस करोगे 10 लाख। हालांकि सीएफबीटी नहीं आया है अभी, इसमें से और क्या माइनस करना है, मेंटेनेंस, पर ये तो हर साल का अलग अलग है, पहले इसको खत्म करते फिर इसको वहां ले जाते सीधा। तो बोलो कितना आ गए, 22,50,000, 12,50,000। ये भी कुछ नहीं है, ये सेविंग्स ही निकली है, नेट सेविंग्स। अभी इसमें से और माइनस करना है ये वाला हर साल का, पर ये हर साल का अलग अलग है तो यहाँ माइनस नहीं। अब क्वेश्चन ये है
कि अगर मैं यहां 15 लाख ना लेकर 3 लाख लेता तो क्या हो? 3 + 3 = 6 यहां कितना आता? सेविंग्स कितना आता? 50,000 आता। मान लो ये 50,000 आता, ये 50,000 आता और ये खर्चे भी माइनस होते तो क्या पूरा की पूरा सीएफबीटी नेगेटिव आ जाता? हाँ। तो हमसे हुआ था, अब किसी की भी कॉपी देखना, फिर उन्होंने काटा और फिर से बनाया क्वेश्चन, तभी से हुआ था, सीखने को मिला। तो अब इसको उठाकर सीधा वहां ले जाते हैं, सीएफबीटी जहां बना रहे ना, सीएफबीटी सेविंग्स या नेट सेविंग्स कितना आया था यार? 12 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है, दो लाख, 1,80,000, 1,60,000, 1,40,000 और लास्ट 1,00,000। और कोई खर्चे दिख रहा है क्या? ये बचा है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट का सैलरी, तो अब जो आएगा उसका नाम अब मिल गया हमको, सीएफबीटी। क्या सही माइनस किया कि गलत? गलत मतलब गलत किया ना यार, गलत तो किया है। हाँ वो बाद में करेंगे, पर ये गलत माइनस किया है क्योंकि साफ साफ कल हमने डिस्कस कर चुके। तो बोलो कितना आया? 10,50,000, 10,70,000, 10,90,000, 11,10,000, 11,30,000। माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। तो समझ के करना, कौन सा मेथड है? पक्का? SLM मेथड है और स्क्रैप नहीं दिया, स्क्रैप जीरो मान लेना, ठीक। SLM मेथड डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 20,00,000 + 1,00,000, 21,00,000। 21,00,000 पे डेप्रिसिएशन और 5 साल में डेप्रिशिएट करना है। 21,00,000 / 5 4,20,000। अब जो आएगा उसका नाम रहेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $6,30,000, $6,50,000, $6,70,000, $6,90,000, $7,10,000। अभी क्या निकालेंगे भाई? टैक्स, और टैक्स का रेट कितना परसेंट है? 30%। बस एक बार ना निगाहें घुमा लेना है ना कि है कि नहीं 30। मतलब मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन की अब इसकी जरूरत नहीं है। 30% निकाले,
1,89,000, 1,95,000, ठीक है से 2,01,000, ये पता हो गया, ये पता हो गया। तुम चाहो तो सुनो क्या कर सकते हैं, सीधा 12,50,000 में से 189 माइनस करो और 180 माइनस करो, संभाल पाओगे? मैं क्या कहना, नॉर्मल कह रहे जैसे नॉर्मल करते, नॉर्मल करते ठीक है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आपको आता है अच्छे से, जो गलती है उसको ठीक कर लेंगे ठीक है। तो पहले ये निकाल लेते हैं नॉर्मल, इसमें से ये माइनस कर देते ठीक है। CFAT आया जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, फिर रेक्टिफाई कर देंगे इसको। 10,50,000 माइनस 189 8,89,000, 9,03,000, 9,17,000। अब हमको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब जो बेकार में माइनस है उसको प्लस करना पड़ेगा और एक्चुअल में ये माइनस होगा ठीक। तो प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस, क्यों किया था माइनस ये तो समझ में आया ना, टैक्स के लिए। दो लाख 1,80,000, 1,60,000, 1,40,000 और 1,20,000 माइनस ऑपरेटिंग 1,80,000 है ना यार, ऐसा क्यों देखते, 1,80,000 आगे 1,60,000 1,40,000 1,20,000 और 0 ये आ गया हमारा करेक्ट CFAT। आठ लाख ₹8,90,000, 8,95,000, 9,09,000 और मैं क्या बोल रहा था सुनो, मैं ये बोल रहा था 12,50 है टैक्स के लिए तो बेकार में माइनस किया था, तो 12,50 में से सीधा टैक्स इसमें से माइनस ना करके इसमें से माइनस कर दो, तो 12,50 में से माइनस किया मैंने 189, और फिर माइनस तो 180 कर देंगे
एक बार करके देखो, 12,50,000 माइनस 1,89,000 माइनस 1,80,000 उतना ही आएगा, पर ठीक है। अभी क्या एनपीवी का टेबल बनाए, खत्म करे क्वेश्चन, एनपीवी मांगा है ना, पता नहीं फैक्टर दिया है ना, ओहो आईआरआर मांगा है क्या, और रेट क्या दिया है डिस्काउंटिंग, 15%, 15% मतलब ये, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये बताओ ये क्यों दिया है। हाँ क्योंकि ना बच्चों को ना ये तक नहीं समझता कि यार रेट कौन सा लेना, उनको रटवा दिया गया, नीचे जो दिया रहेगा ना वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा, तो बोलता ठीक है तीन तीन देते हैं अब करो, तो पर आपको देखना रेट दिया रहे। चलो तो एनपीवी के लिए टेबल बना रहे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एनपी, एक तो हो गया हमारा ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट लेना है, 15%, और यहाँ जाएगा अमाउंट और यहाँ जाएगा प्रेजेंट। कोई है जो मुझसे आगे जा सकता है, आधे से बच्चे तो आगे मालूम है क्यों जाना नहीं चाहता, काटना पड़ेगा, बाकी तो ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते। कैश आउटफ्लोस, मशीन खरीदा, मशीन कितने की थी यार, मतलब 20,00,000 का 80% अभी और 1,00,000 और है ना, लिख देता हूँ भाई, पता लगा, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से आ गए 17 करके, 1,00,000 ही है, 0, 1, 17,00,000 और 17, और फर्स्ट ईयर में भी जाएगा पैसा, फर्स्ट तो लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में कितना जाएगा, 4,00,000 फैक्टर आपको दिया हुआ है, .8710 मल्टीप्लाई करोगे 3,00,000, इसके अलावा और किस चीज का पैसा जा रहा, वर्किंग कैपिटल अगर होता तो, और तो कुछ नहीं है बस। $20,48,000 कैश इनफ्लोस, कैश इनफ्लो नहीं, अब इनफ्लो हाँ, यहाँ जो भी कैलकुलेट किया है वो लिख,
ऑपरेटिंग कॉस्ट कर लिया, कर लिया, सुनो कर लिया, आखिरी में, आखिरी में लग कर देना, चिपका देना। 1-2 लाख पहले साल जो पेमेंट है दिख रहा है मेंटेनेंस का 2 लाख रुपया, वो कब पेमेंट होगा? आज, वो तो लिखना पड़ेगा ना। मेरा पहला है कि वो आया है कि नहीं आया, वो लिखना है कि नहीं लिखना है हमको? लिखना तो पड़ेगा, पैसा जा रहा है पहले साल का 2 लाख, ये नहीं कोई नहीं बोल सकता कि नहीं जा रहा, पैसा तो जा रहा है, लिखना तो पड़ेगा 100%। वो आपका जो सीएफईडी वाला टेबल है उसमें तो एडजस्ट नहीं हुआ है ना, वो अच्छे से सोच लो आराम से, हुआ था कुछ माइनस किया था, किस लिए किया था? टैक्स, काम हो गया तो उसके बाद वापस उसको हमने एड बैक किया, लेकिन पैसा तो गया है, तो पैसा गया तो लिखना तो पड़ेगा। आपने सीएफईडी लिख लिया है क्या? दो ऑप्शन है, या तो आपको काटना है या तो मुझको। एक ही बात तो पहले सीएफईटी लिख लेते फिर कर लेंगे उसको। जिसने लिख भी लिया होगा तो काटना नहीं है, वो बाद में लिख लेंगे। इट मीन्स आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि कहां एडजस्ट करें, एडजस्ट है बेटे कहीं भी कर लेना, क्या फर्क पड़। वर्किंग नोट नंबर 1 सीएफईटी, सीएफईटी ऑलरेडी आपका निकला हुआ है, मतलब आप क्या, आप कैलकुलेट कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, फिर रुक जाओगे आगे जाके, तो बताना, मुझे बताओ ना, मैं वेट कर रहा हूँ कोई बताएगा, फैक्टर ही बता दो कम से कम पॉइंट। इतने स्पीड से काम कर रहे हो जैसे आंसर निकाल लोगे, 0.8 से 0। 8,81,000, 0.7, 5, 6, 8,95,000, 6,58, 9,09,000, बच गए, वो भी मेरी वजह से, फोर्थ ईयर का पॉइंट, ठीक है, 9,23,000, 4,97,000, चलो अब मैं थैंक यू, अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा। या ऐसा है थोड़ा सा 4,70,67,6,20, ठीक है, ठीक है, 5,27,956,515,38, ठीक, मैं जादू दिखाता हूँ ना, जादू दिखा रहा हूँ, मेकअप बना, हाँ पक्का, आप खुश आप खुश लॉजिक देखोगे यहाँ, आप खुद सोचो ना यार, लॉजिक के साथ सोचोगे ऑटोमेटिक समझ में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से ईयर में होने वाला है? 0, 0 का 1 का 1 कितना रुपए जा रहा है? 2 लाख, और 2 लाख का, और ये रहा जादू, सिंपल जवाब मिलेगा, पहले एनपीवी निकालते फिर जवाब मिलेगा। कुछ सेल्वेज वैल्यूज है क्या?
सैंडविच कहाँ ख्यालों में खो गया था और बुक का आंसर आगे तो सीधा एनपी भी निकाल लिया तो ये भी बता दोगे टू एट एट फोर फाइव फाइव एन पी भी आ गया बी माइनस ए एट थ्री सिक्स डबल फाइव पी आई भी निकाल ही लीजिए एक बार पूछा है कि डिसीजन मांगा है क्या हमसे एडवाइस इवैल्यूएट बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा एट थ्री सिक्स फाइव 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 सेवन नहीं है टू डबल एट फोर फाइव फाइव सेवन डिवाइडेड बाई टू जीरो फोर एट ट्रिपल जीरो आंसर वन पॉइंट फोर जीरो एट आ रहा है सिंपल आप बात सुनो पिछली बैच में जब मैं पढ़ा रहा था मैं बच्चे से बोला प्लीज लिख लो प्लीज लिख नहीं सर हमको ऊपर ही लिखना ऊपर ही लिखा एनपी में कोई चेंज आएगा क्या नहीं पर पीआई में हमारे वो जुड़ गए हमारा पीआई टैली नहीं हो रहा था आप खुद सोचो ना मैंने पीआई की वजह से नीचे लिखा अगर इसको मैं ऊपर लिखता हूं एनपी भी आएगा कि नहीं सही आ जाएगा पर पीआई सही आएगा क्या नहीं पीआई हमारा टैली नहीं होगा पीआई तो आ ही नहीं सकता ना आप इसको वहां रख रेशो चेंज हो जाएगा आपका पूरा की याद कैसे रहेगा नहीं लॉजिक कुछ नहीं है एक्चुअली क्या है जो बिल्कुल मशीन से रिलेटेड खर्च है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली उसको मैंने ऐड थ्रू माना कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी बाकी जो रनिंग एक्सपेंसेस है उसको सबके सब हम इसमें डालते हैं हालांकि आप सही बोल रहे हो इसको मैं 2 लाख यहाँ भी प्लस कर सकता था और आप पीआई निकाल सकते थे और पीआई जो आप निकाल रहे हो वो भी सही है उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो भी सही है बट क्या ये क्वेश्चन मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ हाँ क्या मुझे याद था हाँ क्या आपको भी याद रहेगा यस कौन सा बोला नहीं 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 मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां की बात कर रहा हूं और यहां की बात कर जो जीरो पीरियड में जाते हैं जनरली खर्चे जो मशीन से रिलेटेड है या फिक्स खर्चे हैं वो यहाँ शो कर देते हैं उसमें एक इसके अलावा और एक चीज आती है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल हम ये मान रहा मेरी बात समझने की कोशिश कर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी है प्रॉफिट ही होता हम उसको यहाँ लिखते हैं
ऊपर कहाँ हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहाँ कहाँ हुआ कैलकुलेट किए। नहीं मैं सीएफएडी की बात नहीं कर रहा, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। कर सकते हो हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 लाख यहाँ लिख सकते हो। हाँ इंस्टीट्यूट वही करता है जो मैंने यहाँ करवाया आपको। नहीं आप गलत कैसे बोल सकते हो, वो भी सही है हम भी सही हैं, उसका क्या गलत है, उसने सिर्फ आउटफ्लो में एक माइनस कर दिया। हाँ नहीं आपका सही, आपका कहना सही है कि आप, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ पीआई का फॉर्मूला ऐसे है, हम क्या करते थे पीवीसीआई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऐसे भी तो बोल सकता था ना फॉर्मूला, क्या जितना पैसा लगा रहे हो उससे कितने गुना ज्यादा आ रहा है, और लगा आज कितना आ रहा है कैपिटल एसेट में, वो देखना है बेसिक पर। बट मैंने आपको मना नहीं कर रहा हूं कि ये भी आप यहां लिख सकते हो, पर प्लीज मैं कितना भी लॉजिक दे दूं, लॉजिक मैं दे सकता हूं, आईसीएआई को हम गाली दे सकते, कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको याद ही करने पड़े, याद ही करने, और याद हो सकता है क्या? हाँ जब मुझे याद था कि इधर करना है, चाहे बच्चे कितना भी परेशान कर दे, जैसे आप परेशान कर रहे थे मुझे, पर मैंने लिखा इधर ही, ठीक है तो बस इधर ही लिखना है इसको। और जो पेपर चेक कर रहा हूं वो समझदार है तो आपको पूरे नंबर मिले। हाँ तो वही तो, मैं कितना भी आपको लेक्चर दे दूं जमाने भर का गलत है इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से चलो, पर मेरे हिसाब से आपको नंबर नहीं मिलेगा ना। मैं लिख के दे सकता हूँ कि टेस्ट हो चाहे आपका एग्जाम हो, आप ये गलती कभी नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते, अब नहीं कर सकते, इतना मुझे याद हो गया, अब ये हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट बैच में आप देखोगे, आप कॉपी चेक करोगे तो मैंने ऐसे ही करवा रखा, और मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हो, पर फिर हमने अल्टरनेटिव भी लिख लिया कि ऐसे किया है, हमने दोनों अल्टरनेटिव लिख। तो पीआई के लिए तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था आपके, ठीक है सर डिसीजन दे दोगे आप। पीआई क्या 1 से ज्यादा आ रहा है? हाँ लेकिन इसको अगर हम ऊपर लिखते तो पीआई 1 से ज्यादा ही आता, तो फिर बेंच क्या करना, फिर तो आराम से बोल सकते हैं कि यार एक्सेप्ट, वह रेशियो रेशियो का फर्क पड़ा बस। नहीं भूलो के फूल, नहीं भूलो के, मैं भूला क्या मैंने तो हाँ नहीं नहीं गलतियां से याद रहता है, हमसे गलतियां हुई थी, फिर हमने सोचे क्या गलतियां हो रही है यार, हमारा आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा, बहुत हमने देखा कि यार क्या गलती हो, फिर पता लगा कि यार ये वाली गलती है, तो ना मैं कभी भूला ना तो मेरे बच्चे कभी भूले, गलतियों से ही तो याद रहता है, और गलती नहीं किए हो तो फिर तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 खोल लो, पहले क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर भी मायने रखते हैं। ठीक है बड़े क्वेश्चन देखा, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चूज बिटवीन 2 मशीन, 2 मशीन है, मशीन का नाम क्या है, ए बी,
The two machine are designed differently but have the identical capacity and do exactly the same job. ठीक है. मशीन ए की कॉस्ट कितनी है? 6 लाख. कितने साल चलेगी? और 1,20,000 चलाने का खर्चा मशीन को, रनिंग कॉस्ट हो गया 1,20,000. मशीन भी थोड़ी सी सस्ती है, 4 लाख की है. कितने साल चलेगी? 2 साल. और 1,80,000 उसको खर्चा चला. ये महंगी है, चलाने का खर्चा कम है थोड़ा सा. ये सस्ते में मिल रही पर मशीन का रनिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस ज्यादा है. दिस आर रियल कैश फ्लो. रियल कैश फ्लो से क्या समझते हैं? सुनना है सर. रियल कैश फ्लो थोड़ा बहुत लॉजिक आपको पता होगा. रियल कैश फ्लो के ठीक है. और अपॉर्चुनिटी सुनो, काम आएगा कि पर आगे क्वेश्चन पढ़ते फिर सोचेंगे काम आएगा. ठीक है. और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया? 10%. बताइए मशीन खरीदे कि ना खरीदे. एक इम्पोर्टेंट बात, इग्नोर टैक्स इट को. और 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का. चलो काम करें. सबसे पहले क्या डिसाइड करना, दोनों में से कौन सी मशीन खरीदे. कितनी मशीन है हमारे पास? 2. मशीन कितने की आ रही है? 6 लाख. कितने साल चलेगी? इससे पैसा कितना आएगा? अच्छा, आएगा ही नहीं. तो आउटफ्लो के बेसिस पे डिसीजन लें. एक की लाइफ है 3 साल और एक की लाइफ है 2 साल. तो आउटफ्लो के बाद हमको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा. ये तो क्वेश्चन ही चाहिए होगा. चलो काम करें. टेबल नहीं बना रहा है, सीधा काम करेंगे. 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश. सबसे पहले लेते हैं मशीन ए. हर साल कितना जा रहा है? सॉरी, एक तो आज आज कितना जाएगा? आज 6 लाख प्लस 1,20. सुनो, 1,20 में डायरेक्ट फैक्टर से मल्टी नहीं अप्लाई नहीं करूंगा. इनटू पीवीएफ कितना परसेंट? 10%. कितना साल? ऐसा कुछ सैलवेज दिया है क्या? तो 6 लाख प्लस 1,20,000 इनटू, इसको जोड़ लिया ना, 2.48. नहीं, ये कितना बच्चे? 6.8. इंटू करने के बाद फाइनल आंसर कितना आ रहा? 6 लाख जोड़ने के बाद 8,984. ठीक. अब बात करते हैं किसकी? मशीन बी. का कहना है सर यही निपटा मैं इसको, क्यों टेंशन ले रहे? जब लाइफ अलग अलग है, पता है तो यही कर लेते. कम से कम आंसर मैच हो जाएगा तो फिर आगे खुशी से जाएंगे हम लोग. प्रेजेंट वैल्यू एरिटी फैक्टर 8,984,16 डिवाइडेड बाय
2.4868 कितना 36 27 3.93 बिना कैलकुलेटर के किया हाँ आगे लिख हर बात का जवाब है मशीन भी पीवीसीओ कितना जा रहा है यार 4 लाख प्लस 1,80,000 कितने साल का फैक्टर आएगा दो तीन साल से मल्टीप्लाई कर दिया उम्मीद थी मुझे 1.7355 712390 712390 डिवाइडेड बाय 1.7355 कितना गया 410481.13 कौन सा मशीन खरीदोगे क्योंकि पैसा ज्यादा जाना चाहिए हमारे पास ऊपर वाला मशीन ए शुड बी परचेस्ड और क्यों शुड बी परचेज ड्यू टू लोअर कैश आउट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मालूम है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है 5 नंबर आपको फ्री में मिलेगी मान और ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन वो जो पहले किया ना एक आध कभी कभी आ सकता है जब पेपर जो बहुत मुश्किल टफ हाँ इससे पहले वाला क्वेश्चन वो मुश्किल था कभी बाई चांस आ गए तो आगे क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लग रहा है होमवर्क दिया जाना चाहिए एक बार रीड कर लो अगर आपको लगेगा हो जाएगा हाँ है ये बताओ ये रियल कैटलो का मतलब क्या होमवर्क क्या बन जाएगा ये होमवर्क का मतलब घर में करना है ना तो होमवर्क ले रही अभी नहीं आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं सारे के सारे अभी नहीं जाओगे अभी आप लायक ही नहीं हो पहले क्वेश्चन तो बना लेते हैं अभी टाइम लगेगा उसमें
एक्चुअल में वो वाले जो है ना उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं, पर कम क्वेश्चन आते हैं। अगर ज्यादा क्वेश्चन आते वो यहीं से आते हैं, एनपीवी पूछेगा, आईआरआर पूछेगा, इसलिए मैंने बेसिक्स में टाइम लगाया, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया जब बेसिक्स में, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल से चलने दिए। 29 होमवर्क, थर्टी होमवर्क, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कैलकुलेटर में हो जाएगी। यस नहीं नहीं उसका नंबर कहाँ मिलेगा आपको? नहीं सीरियसली छोटे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप बना रहे हो, टेस्ट है आपका। अभी 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 आज 31 बना रहे, सिर्फ सैलवेज दिया है बस। और आप बताओ कितना आंसर आ रहा है? ये कब कर रहे हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं, हमने तीन डेट में ले रखा। तो मशीन ए का कितना आ रहा था यार हमारा? 2270711888, ठीक। ये मशीन ए का इक्विवेलेंट। बी का कितना आ रहा हमारा आंसर? 2880840। ये हो सकता है, ये क्या है, दिया नहीं है फैक्टर, आपको एग्जाम में फैक्टर दिया रहेगा तो उसका टेंशन, ये कहीं और से उठाया गया है क्वेश्चन। तो 31 हमारा हो चुका है, 32 ऑलरेडी होमवर्क दे दिया हूं मैंने, 29 भी होमवर्क है, हाँ वही वाला जो लिखवाया वही। अभी यहां से देखा जाए तो 28 बचा हुआ एक है ना, और इधर देखते 27 भी हो चुका है हमारा, 26 होमवर्क है, 25 भी होमवर्क है, और ये हो चुका है, ये वाला 23 हो गया हमारा, ठीक। 22 21 नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया, और ध्यान से समझना करना आप ही को, मैं जाता हूँ नए क्वेश्चन कैसे, रटे रटाए क्वेश्चन तो कर ही लोगे, नए क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर। तो क्या खरीदना है हमको? न्यू मशीन, लाइफ कितनी है? 5 साल, और कॉस्ट कितना है? 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000, विथ 80% ऑफ कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हो जाएगा ये तो। मशीन कितना यूनिट से बना रहा है? 50,000 यूनिट्स हर साल बनाएगी। बेचोगे कितने में? 3 रुपए, और कॉस्ट कितना है? 1.75, और एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब क्या कहना चाहता है, ये जो 1.75 है ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इसी में यही फिक्स कॉस्ट है और इसी में डेप्रिसिएशन, ऐसा बोलना चाह रहा है ना? एक बार पढ़ लो, पढ़ लो ये वाला लाइन, पढ़ना डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा ये अलग है, यहां से अलग है, जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 40,000। डेप्रिसिएशन देखेंगे क्या करना है, इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है जो कि ऊपर इंक्लूड नहीं है, कितना रुपए है? 10,000 और
15,000 आपको एनपीवी निकालना है और डिस्काउंटिंग रेट है 10%। कितना साल है मशीन का लाइफ? 5 साल। अब एक बार थोड़ा डिस्कस कर ले, सबसे पहले सीएफएटी की बात करते, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो सेल्स, हर साल का सेल्स कितना होगा? 50,000 इंटू 3 हर साल का, माइनस करोगे डायरेक्ट कॉस्ट 50,000 × 1.75 वो भी ठीक है, माइनस करोगे 40,000 तो फिर क्या जो माइनस करने के बाद जो आएगा उसका नाम बोलो, पीबीटी। पीबीटी हो गया ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका है, फिर टैक्स निकाल लेंगे, पैट आ जाएगा, वापस एड बैक करना पड़ेगा क्या डेप्रिसिएशन पर? डेप्रिसिएशन नहीं मालूम, ओ हो टैक्स ही नहीं दिया। फिक्स कॉस्ट तो माइनस करना पड़ेगा, तो 40,000 माइनस ना करके 40,000 में से डेप्रिसिएशन हटा के बाकी माइनस कर दें, ठीक है। और एक चीज माइनस करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 10,000। और अब सवाल ये है कि हर साल का सीएफएटी अलग अलग आएगा कि एक जैसे? और वजह क्या है सिर्फ ये, पहले 2 साल अलग आएगा, बचे हुए 3 साल अलग। तो एक काम करते ना, 1, 2, 3, 4, 5 करके बना लेते, आपकी मर्जी। डिस्काउंटिंग रेट 10%, एनपीवी निकालना है। आप पर डिपेंड करता है, अलग अलग भी बना सकते हो अगर आपके पास समय है, अच्छा प्रेजेंटेशन साथ, एक साथ भी बना सकते हो, 1, 2 और 3 to 5 जैसा हमने एक क्वेश्चन में किया था। होमवर्क नहीं है ये, अभी बनाना है। हाँ हाँ अच्छा, उसमें भी था जो अकाउंटिंग नहीं है ये, कि आप ये पूरा एस्टिमेशन का काम हो रहा है, और वैसे भी कैपिटल वेस्टिंग में फैक्टर की वजह से अंतर आएगा, ठीक है। तो चाहे आप 4 डिजिट में ले रहे हो, तो चाहे आप 3 में ले रहे हो, हमेशा लेते, तो वो देखना पड़ता कहीं कैपिटल गेन तो नहीं हो रहा भाई। बाकी टैक्स हमेशा लेना, चल जाए, नहीं तो इग्नोर कर देंगे ऐसा बोल रहे हो कि इसका जीरो दिया रहता है ना। तो 21 भी हो गया मान लो, एक बार हिम्मत दिखाए, देखिए बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नया है। प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है 7 लाख रुपए जो लग रहा है वो कब लग रहा है? आज। और 10 लाख रुपए लगेगा फर्स्ट ईयर में, मतलब यहाँ फर्स्ट ईयर का फैक्टर हो जाएगा। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो सीएफएटी
वाओ लॉटरी लग गई। तो CFAT दिया 2,50,000। कौन से ईयर से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में 3,00,000, फोर्थ ईयर में 3,50,000 और 4,00,000। कौन से साल से? पांचवें साल से। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। और बोले वैसे तो 10 साल से ज्यादा भी चलेगा पर हमको उतना नहीं, हमें 10 साल तक का इन्फॉर्मेशन दिया हम काम, और कंजर्वेटिव है तो इसलिए बोला ठीक है 10 साल तक का कैलकुलेशन करेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना लेना है? 15%। और NPV निकालना और बोलना बोल रहा है कि एक्सेप्टेब कर सकते हो। तो दूसरा क्या बोल रहा है? फिर से डिस्काउंटिंग रेट 10% लेकर बताओ कि एक्सेप्ट की रिजेक्ट। पहले 15% से डिस्काउंटिंग, फिर 10% से, फिर क्या निकालना है? IRR, और फिर क्या निकालना है? पे बैक। होमवर्क CFAT दिया हुआ है तो 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, मतलब वो तो सब अलग अलग पैटर्न है। हाँ हाँ, नहीं फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं लेंगे, सेकेंड ईयर का फैक्टर यूज करेंगे। 19 हो चुका है, 18 देखिए, 18 2020 में आया कर देता हूँ। दे दिया हाँ, इस क्वेश्चन की बात करो। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 2,50,000। लाइफ कितनी है? वाओ, स्क्रैप 0। प्रोडक्शन कितना? 1,00,000। सेलिंग प्राइस है 6, वेरिएबल कॉस्ट है 3, तो 3 रुपए हो गए। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1,00,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर इन एडिशन ऑफ एफएक्स कॉस्ट 20,000। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फिफ्थ ईयर में है 30,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। इग्नोर टैक्स कितना नंबर का क्वेश्चन है? 5। कब आया हुआ है? नवंबर 2000, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है तो आप बना रहे। हाँ अभी 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 5 नंबर का क्वेश्चन है। 8 मिनट से ज्यादा तो टाइम वैसे भी नहीं लगना है, जब तक मैं सजेस्टेड से आंसर भी निकाल के रख लेता हूँ, देखूं तो आखिर क्या स्थिति है आप लोगों की। सजेस्टेड को हम चैलेंज भी नहीं कर सकते है ना। नवंबर 2020
तो फाइनल आंसर है इसका 708730। आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर आप ये निकाल लेते हो तो? नहीं, क्योंकि डिसीजन किसी ने नहीं लिखा है। डिसीजन लिखना है आपको 7087। देख लेते कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ मैं तो, मुझे मालूम था कि सही, इतने लोग कभी गलत नहीं होते, इतने सारे लोग गलत नहीं होते। एक सेकंड, मैं डाउट डिस्कस कर रहा हूँ, बस सुनोगे ध्यान से, सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो 28, बस 28 होमवर्क, सिंपल। वैसे भी घर में बोर हो गया, ठीक है बस इतना ही है आज के लिए। कल की क्लास में हमारा बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा, परसों से हम रिप्लेस, फिर ये समझ लीजिए कैपिटल वेस्टिंग हमारा 60% खत्म हो चुका है, रिप्लेसमेंट वगैरह ये चाहिए, फिर टॉपिक ये चाहिए। आज के लिए सफिशिएंट है या और होमवर्क चाहिए?